अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्ज़ा खान। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने लगा हूँ, आप इंटीग्रेशन को आराम से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन के समझने में, जब आपको पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, तो आप उसको आसानी से बिल्कुल कर सकें, वो बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आपको पता भी लगेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता है 1/√a² - x² और इंटीग्रल फॉर्म, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका जो आंसर होता है उसको हम कह सकते हैं, ये होता है साइन इनवर्स x/a + c के इक्वल, ठीक है। और ये वाला किसके इक्वल होता है? a² - x² a² - x² बस ये होता है क्या? a² - x² होता है x = a sin थीटा, ठीक है। और a² - यहाँ पे आएगा x² - a², हाँ a² - x², हाँ ठीक है। अब इधर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? is equal to 1/a secant inverse x/a + c, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है, इसके इक्वल होता है। अब अगर वो आपको ऐसा कोई चीज आ जाए और यहां पे लिखा हो 1/√√3 - x² या 3 कर रहे हैं यहां पे 3 - x², तो आप इसको कैसे करेंगे? तो ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जब भी ऐसा कोई आ जाए, हम तो ये कर रहे हैं। अब आपको 3 का, अब आपको क्या बनाना है? आपको ये वाली चीज बनानी है, इस पोर्शन को आपने इसको ये वाली चीज बनानी है, ठीक है। आपको एक बात समझ आ रही है, आपने क्या करना है? ये है 1/√3 - x² ना। अगर आप 3 - x² को इस तरह लिख लो, √3² - x² (dx), कोई फर्क पड़ेगा? इतना पड़ेगा, हमने स्केयर वाली फॉर्म बनानी है। √3 मैंने लिखा है, अगर स्केयर और तो काट जाएगा, फिर दोबारा 3 आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब ये किस तरह होगा? = अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/√3, ठीक है। ये इसका सिंपल तरीका था। एक और इसी रिलेटेड कर लेते हैं, अगर आ जाए 1/√a² की जगह आ जाता है, आप लगा लें 81 - x² dx, ठीक है। ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि 81 किसका स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 9² - x² लिख सकता हूं मैं इस तरह। तो फिर ये कौन सी फॉर्म बनेगी? sin इनवर्स x/a sin इनवर्स x/9, ये सिंपल इसका आंसर है। अब आपको इसमें से एक और चीज बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बच्चे गलत करते हैं और इंशाल्लाह आप नहीं करेंगे अगर आप इन्हें ये समझ लिया पॉइंट तो। अब आप देखिए, मैंने इसकी यहां पर रेंज क्या लिखी है कि जो एक्स है वो -a से ग्रेटर होना चाहिए और a से कम होना चाहिए, यानी कि a और -a नहीं हो सकता, एक्स a और -a नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, अगर हम यहां पर a की वैल्यू पुट कर दें, अगर मैं यहां पर a की वैल्यू पुट करूं, a² - x² ये क्या बन जाएगा? a² dx, ठीक है। ये तो बात कहां पे चली जाएगी? बात तो कहीं और चली जाएगी। इसलिए आपने ध्यान रखना पेपर में, अगर उसने इस फार्मूले के आगे ये फार्मूला लिख के उसने ये कंडीशन लगा दी कि x = a, तो इसका ऑप्शन या अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड या नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा, इन तीनों में से जो ऑप्शन होगा आप इन्वॉल्व करें।
अनडिफाइंड डिफाइंड नहीं हो सकता, इन्फिनिटी क्योंकि इन्फिनिटी होती है अनडिफाइंड है, या फिर नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा अगर x = a या माइनस a भी आ जाए। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ आ गई। अब ये भी इसी तरह होना, जिस तरह मैंने ये किया ना, ये भी इसी तरह करना है। ठीक है, इधर वन ओवर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह आप फिर वही ले लें, ए स्क्वायर की जगह आप ले लें 225, 225 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको पता 225 किसका स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है। ठीक है, 225 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट और डी एक्स। अब आपको पता है इसमें ए क्या चीज है, यहाँ पे एक्स आएगा, ए क्या चीज है, 1/5 = 1/15 आ जाएगा, ये यहाँ फार्मूले में लिखा हुआ है, 1/15 secant इनवर्स एक्स ओवर 15, ये इसका आंसर है। आपने बस आपका काम है आपके प्रूफ है ना उनकी प्रैक्टिस करें, प्रूफ की प्रैक्टिस करेंगे उधर से ही एमसीक्यूज बनते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको समझ आई तो आप मुझे कमेंट में करके मुझे बताएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।